हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। ठंडियों का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर सोचा कि चलो पानी की गुजिया बना लेते हैं। मेरे यहाँ तो पानी की गुजिया कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए मैंने चने की दाल और मूँग की दाल सुबह भिगो दिया था, उसके बाद भिगोने के बाद मैंने मिक्सर में पीस लिया है जीरा और लहसुन डाल के। अभी मैंने धनिया और सोया इसमें डाल के मिक्स कर दिया है। अब मैं नमक डालूंगी और इधर मैंने ये देखिए आटा गूंथ के रखा है। चलिए मेरे साथ वीडियो बने रहिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अभी नमक डाल दूँ। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। इसको हम लोग टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे, जो कि मैं सिलबट्टे बनाऊंगी मिक्सर में नहीं, क्योंकि मुझे सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगती है टमाटर की। नमक डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गाइस ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, अब इसमें मैं पानी डालूंगी पीने वाला, क्योंकि ये पानी में ही पकेगा, इसलिए पानी को जब खौलने लगेगा तब मैं इसमें बना बना के गुजिया डालूंगी। अब इसको खौलने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने इसमें फील कर दिया है मसाला, अब मैं इसको गुजिया का आकार में प्रेस करके चिपका दूंगी ताकि ये फटे ना पानी में जाने के बाद। ये देखिए बिल्कुल गुजिया के शेप में बन गया है ना, अच्छे से दबा दूंगी, ऐसे ही मैं सारे बना लूंगी। गाइस देखिए मेरी गुजिया तैयार हो गई है, अब इसको खोलते पानी में डालूंगी। पानी मेरा खोल चुका है, अब इसमें मैं डाल के ढकूंगी। फाइनली हमने इसको पानी में डाल दिया है, अब इसको ढक के पकाएंगे और पलटते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए ढक दिया मैंने। गाइस वेट एंड वॉच। गाइस देखिए ये मैं सिलबट्टे पे चटनी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने मिर्च, लहसुन, अदरक और ये धनिया ले लिया है। हम लोग के पास मिक्सर है, बट उसमें की चटनी हमारे यहाँ पसंद नहीं करते हैं, सिलबट्टे की ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ। चलिए पीसते हैं, स्टार्ट करते हैं। Thank you.
मैंने दो मिर्च डाला है, बस दो लौंगी की चटनी बन रही है ये। ये देखिए गाइस, लगभग मेरा पनभुजिया पक चुका है। 5 मिनट बाद उतार देंगे इसको। और इधर मेरी चटनी भी तैयार ही हो चुकी है, हरी चटनी के साथ पनभुजिया। गाइस फाइनली मेरा पनभुजिया तैयार हो गया है खाने के लिए। और ये रही मैं सिलबट्टा की चटनी टमाटर की। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पर खाऊंगी तभी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। थैंक यू।